हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में अपने आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप एग्जाम में कैसे लिख रहे हो। आपकी हैंडराइटिंग इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ लोगों की हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा नीट नहीं होती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करेगी उस टाइम पर कि आप अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो एग्जामिनर हर चीज को पॉइंट आउट करता है, ये चीज वो जरूर देखेंगे कि आपने अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करा है, आपने अपने आंसर्स को नीटली लिखा है या नहीं, आपके आंसर्स को प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि आपको अपने आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं कि आंसर्स के साथ साथ एग्जामिनर प्रेजेंटेशन देखकर भी खुश हो जाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सबको पता चल सके कि आपको एग्जाम में कैसे पैटर्न से अपने प्रेजेंट करने हैं आंसर्स। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये शीट मिलेगी आपको, ऐसे ही टाइप में मिलती है, थोड़ी चौड़ी होती है ऐसे, और यहां से थोड़ी कम होती है। तो यही पैटर्न शीट मिलेगी आपको अपने एग्जामिनेशन में। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी ही शीट होती है और आपके एग्जाम में यही दिखेगी आपको। बस इग्नू के एग्जामिनेशन में यहाँ पे इग्नू लिखा होता है और फ्रंट पेज आता है इग्नू के एग्जाम में, फ्रंट पेज अटैच होकर आता है, जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, बेसिक एनरोलमेंट नंबर भरना होता है, आपको अपना नाम लिखना होता है, आपको जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपको फिलअप करनी होती हैं, जो भी होती हैं वो आपको फर्स्ट पेज पे आप ध्यान से फिलअप कर लेना, वो यहाँ पे अटैच होगा इग्नू के उसमें, एंड सेकेंड पेज आपका ऐसा ही होगा। तो आपको आंसर्स अब कैसे प्रेजेंट करने हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका रहेगा वो सबसे बेसिक पॉइंट होता है हमारा, जो है कि आपको राइट साइड पे सबसे मेन पॉइंट होगा कि आपको मार्जिन बनाना है। तो मेन पॉइंट ये कि आपको मार्जिन बनाना है, बट जो लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी होता है ये आपको पेपर में मिलेगा, बट राइट साइड में मार्जिन नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसलिए नहीं बनाना है कि आपका शीट का साइज कम हो जाए और आपको आंसर्स कम लिखने पड़े। आपको इस मोटिव से बनाना होगा कि आप अगर राइट साइड पे बना रहे हो तो वो नीट दिखे, तो आपको इतना लेंथ का नहीं लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक स्केल से ज्यादा है, तो आपको इतना नहीं लेना है सेम टू सेम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो अपना मार्जिन बनाओगे राइट साइड पे, वो आप एक स्केल जितना बना सकते हो। आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे एक स्केल मार्क कर दिया है, तो आप इसको एक स्केल जितना मार्जिन बना सकते हो। आपने यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर देना है। जैसे ही आपने मार्जिन ड्रॉ करा तो ये मार्जिन आप ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद आप इस मार्जिन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि आपको एक आइडिया हो। जैसे कि अब नेक्स्ट शीट पे मैंने ड्रॉ करा, तो मुझे एक आइडिया है कि यहाँ एक मार्जिन स्केल का है, तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया से इतना मार्जिन उठा लिया और इसे ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही आपको पहले ही ड्रॉ कर लेना है हर शीट पे, हर शीट पे आप मार्जिन ड्रॉ कर लोगे आपके एग्जाम शुरू होने से पहले, क्योंकि ये टाइम सेव करेगा। आपके पास पहले टाइम होता ही है, तो आप हर पेज पे मार्जिन पहले से ही ड्रॉ कर लो, इस साइड पे भी एंड दूसरे साइड पे भी। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, पूरी शीट्स पर मार्जिन ड्रॉ कर लो पहले से ही, टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा इस चीज को करने के लिए। तो सेकंड पॉइंट, अब मेन पॉइंट रहेगा हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा, कि आपको कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो आपने यहाँ लाइन खींच दी, आपका मेन था। अब उसके बाद आपका आता है काम ब्लैक पेन का। तो सबसे पहले सोचो, अगर आपका एमईजी का एग्जाम है, सपोज कर रही हूँ मैं आपका एमईजी का एग्जाम हुआ और आप एमईजी का एग्जाम दे रहे हो, तो सपोज यहाँ पे आप लिखोगे एमईजी 01, जो भी आपका एग्जाम है 01 02 03, कुछ भी होगा, आपने यहाँ मेंशन कर देना एमईजी 01। यहाँ पे आप हेडिंग लिख दो ब्रिटिश पोएट्री, आपने यहाँ हेडिंग लिख दी ब्रिटिश पोएट्री, एमईजी 01 ब्रिटिश पोएट्री। आपका जो भी होगा एग्जाम पैटर्न, जो भी होगा आपका हेडिंग और कोड जो भी है, IBO1, MEC1, MEG1, MES हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपको ये हेडिंग्स लिखनी होगी। ये आपका मेन पॉइंट होगा। ब्लैक पेन का आपका काम यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस लिखने की आपको नीड नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चंस आप क्वेश्चन पेपर में से देखोगे। अब आपने सपोज सोचा है कि मुझे आंसर 1 लिखना है पहले,
तो आप मार्जिन के लेफ्ट साइड पे लिखोगे जो भी आप आंसर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, वो आपको राइट साइड पे नहीं लिखना है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं, तो ये गलत है। यहाँ नहीं लिखोगे आप, लेफ्ट साइड पे लिखोगे। अगर आपको आंसर वन अटेम्प्ट करना है एंड सपोज करो उसके पार्ट्स हैं, तो आप यहाँ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। अब आप आंसर लिखने के लिए यहाँ से आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया, सपोज द अबव स्टेटमेंट या अबव लाइन्स गिवन आर फ्रॉम, जो भी पोयम होगी, दिस दिस पोयम रिटन बाय तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया। तो सपोज आपने अपना आंसर यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। अब आपका मेन फोकस क्या होगा? अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया द अबव लाइन गिवन आर फ्रॉम, ये एक एग्जाम्पल है। आपने यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो कि ए बी सी पोयम, सपोज जो भी पोयम है, एक्स वाई जी राइटर जो भी राइटर है, हम उसे ब्लैक पेन में लिख सकते हैं थोड़ा अट्रैक्ट कराने के लिए। या फिर अगर आपके पास टाइम लास्ट में बचेगा तो उसे आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो बाद में कि हमने ये मेन फोकस पॉइंट्स रखे हैं अपने आंसर्स में। तो ये आपको एक एडिशनल प्लस पॉइंट दिलाएगा कि आपने अपना आंसर कैसे प्रेजेंट किया। अब सपोज करो आपने अपना आंसर लिख दिया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आपके पैराग्राफ चेंज। अगर आप पैराग्राफ चेंज करना चाह रहे हो तो आप वो कैसे चेंज करोगे? तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, सपोज करो आपने यहाँ तक लिख लिया है और आप यहाँ तक लिखे जा रहे हो, यहाँ तक लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, और यहाँ आपका आंसर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आपको करना है पैराग्राफ चेंज। अब पैराग्राफ चेंज आप कैसे करोगे कि आपने यहाँ पे हाफ लाइन से ज्यादा लिख चुके हो आप यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हाफ है अभी, तो आप आंसर अपना नेक्स्ट पैराग्राफ का यहीं से शुरू कर दो। यहां से आप शुरू करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज अगर आप यहां तक लिख चुके हो, सपोज करो कि आपने यहां तक लिख दिया है और यहां तक आप लिख चुके, अब आपको यहाँ के बाद पैराग्राफ चेंज करना है, तो अगर आप पैराग्राफ चेंज करोगे, थोड़ा सा लगाओ आप सेंस कि यहां से अगर आपने पैराग्राफ चेंज करा और आप नेक्स्ट लाइन में यहां से लिखोगे, तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपने पैराग्राफ चेंज करा है, तो एग्जामिनर को बहुत मुश्किल हो जाएगी ये जज करने में कि आपने पैराग्राफ चेंज करा हुआ है। तो आपको यहां से पैराग्राफ चेंज करने के लिए एक लाइन लीव करनी होगी, तो यहाँ पे ये वाली लाइन फिर लीव कर देना, क्योंकि जब आप ये वाली लाइन लीव करोगे और यहां से लिखोगे फिर, तो फिर आपके एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यहां से पैराग्राफ चेंज हुआ है आपका। तो आई होप ये चीजें यहां तक क्लियर चल रही हैं कि हमें पैराग्राफ कैसे चेंज करना है और हमें मार्जिन के इस साइड लिखना है जो भी हमें मार्क करना है न्यूमेरिकल की। अगर हमने फर्स्ट का ए पार्ट अटेम्प्ट करा है, हम यहां से अगर बी पार्ट शुरू कर रहे हैं तो बी पार्ट आप यहां ही लिखोगे, आप इस लेफ्ट बॉर्डर से बाहर नहीं जाओगे। ये मार्जिन है जहां आपको ये चीजें लिखनी है, ये आपका एडिशनल स्टफ होता है जो आपके इस लाइन पे ही रहना चाहिए, इधर से इधर नहीं आना चाहिए। तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग्स लिखोगे, बीच में आपको ब्लैक पेन की नीड आती है तो आप लिख सकते हो। आप आंसर्स अपने ब्लू पेन से ही लिखोगे, कोई भी पेन यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जेल और बॉल में काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि कौन सा पेन यूज करना है, तो जेल और बॉल जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स को लिखने के लिए, या जिसमें आपको लगे कि आपको अपना स्पीड मेंटेन होती है जल्दी जल्दी लिखने में, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को रहता है कि अगर मैं जेल पेन से लिखूं तो जल्दी लिखा जाता है, बॉल पेन से लिखूं तो थोड़ा स्लो जाता है, या ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो आप वो देख सकते हो। सेकेंडली मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप अपने आंसर्स लिखो तो आप उसे लिखो पॉइंट्स में। अब अगर सपोज मेरा ये आंसर था, मैंने उसे पॉइंट वन डाल के लिखा या पॉइंट ए डाल के लिख दिया, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी उसकी ब्लैक पेन से, सपोज करो ये मेरा पॉइंट था, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी, तो ये ब्लैक पेन से हेडिंग आ जाएगी हमारी। उसके बाद मुझे इस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है, तो जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी पॉइंट की, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो एक्सप्लेनेशन आपकी 1 to 2 लाइन में एंड ना हो जाए, कम से कम 2-3 लाइंस में हो, तो ताकि आप सेकंड पॉइंट यहाँ से शुरू करो तो लगे कि आपने फर्स्ट पॉइंट में कुछ मैटर लिखा है, तो आप सेकंड पॉइंट यहाँ से शुरू कर सकते हो बहुत इजीली।
अब आती है बात कि अगर हमें क्वेश्चन नेक्स्ट लिखना है तो आप क्या करोगे? आपको क्या करना है कि सेकंड क्वेश्चन आ गया, सपोज करो आपने यहाँ पे फर्स्ट आंसर कंप्लीट कर लिया, आपने आगे भी कर लिया, फर्स्ट आंसर लिख लिया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ बस इसी शीट पे कि आपने आगे भी लिख लिया सारा ए टू जेड जो भी आपको लिखना था। अब बारी आती है आपकी सेकंड क्वेश्चन की, तो सबसे मेन फंडा रहेगा कि आप यहाँ से तीन लाइन छोड़ो, 1 2 3 तीन लाइन्स छोड़ दो, यहाँ से शुरू करो कि आपको क्वेश्चन टू शुरू करना है। अब आपने क्वेश्चन टू का लिखा कि मुझे सी पार्ट अटेम्प्ट करना है सपोज, तो आपने यहाँ से लिख दिया। अब आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया कि दिस पोयम रेफर्स टू दिस दिस दिस, जो भी आपने लिखना चाहना है वो लिख लिया आपने। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे आपका मैटर जो है वो जा रहा है ज्यादा, तो आपने क्या करना है, आपने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया और आपने तीन लाइन यहाँ छोड़नी है, आपने सेकंड क्वेश्चन करना है या थर्ड करना है, आपने तीन लाइंस छोड़नी ही छोड़नी है। इसका मेन पर्पस क्या है अब मैं आपको बताती हूँ, प्रेजेंटेशन इससे हम कैसे अच्छी करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज पे शुरू में ध्यान नहीं देना, हो सकता है हमारा एग्जाम जो है वो लेंथी आए, तो ये हमारे एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे जिन पे हम फोकस करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। अब आपने अपने सारे आंसर्स लिख लिए, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आपको अटेम्प्ट करना था। अब मेन मोटिव है कि अगर आपने तीन लाइन छोड़ी थी तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो जिससे कि आपकी नीटनेस और ज्यादा बढ़ जाए। आपने तीन लाइन छोड़ी थी, सेकंड लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर दो जिससे कि क्लैरिटी मिल जाए एग्जामिनर को कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर दिया है ये वाला। अब इससे क्या होगा, आपका आंसर नीट दिखने लगेगा कि हाँ आपने बता दिया है कि यहाँ पे मेरा एक आंसर खत्म हो चुका है एंड यहाँ से सेकंड क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो ये चीज ऐसे भी दिख सकती है, बट यस प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, अगर आप इसे ऐसे प्रेजेंट करके बताओगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा सुंदर दिखेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, इग्नू अब आपको लिमिटेड शीट्स प्रोवाइड करने लगा है। पहले इग्नू की तरफ से क्या होता था कि आपको कुछ शीटें मिल जाती थी, अगर उन्होंने 20-22 शीट्स दे दी हैं तो उसके बाद अगर आप उनसे एक्स्ट्रा शीट मांगते थे तो आपको मिल जाती थी, बट अब इग्नू ने एक लिमिटेड शीट्स का पैटर्न रख दिया है। अब आपको जैसे सपोज करो इतनी शीट्स मिली हैं तो आपको इतनी ही मिलेंगी, इससे ज्यादा शीट्स नहीं मिलेंगी। तो आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो आप मानते हो कि हाँ ज्यादा लिखने में बिलीव करोगे कि आपको ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी तो आपको ज्यादा लिखने के साथ साथ कंटेंट पे भी ध्यान देना उतना ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कंटेंट नहीं लिखा और आप कहानी बनाए लिखे चले जा रहे हो तो उसका भी कोई यूज नहीं है। इससे बेटर है कि आप कंटेंट लिखो, पॉइंट्स फॉर्म में आंसर्स लिखो, ताकि आपका एग्जामिनर पॉइंट पढ़ते ही पहचान जाए कि ओके ये स्टूडेंट ने ये वाला पॉइंट मेंशन करा है तो इसे इस चीज की नॉलेज है। यही चीज अगर आप पैराग्राफ में मेंशन करोगे तो हो सकता है वो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़े भी ना, या वही चीज स्किप हो जाए उनके पढ़ने से कि जो आपने इम्पोर्टेंट लिखी थी और आपको लग रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। तो मेन यही होता है कि आप हेडिंग में लिखो ताकि वो इजीली अट्रैक्ट हो जाए, दूर से ही दिख जाए। अगर आप ब्लैक पेन से हेडिंग लिखोगे तो ऑब्वियसली मेरे नजर जाएगी सबसे पहले शीट पे कि ओ यहाँ पे हेडिंग लिखी है कुछ और इसका कुछ मतलब है, मतलब इसको एक्सप्लेन आगे करा गया। तो यही मेन पॉइंट होता है। अब इन्होंने लिमिटेड शीट्स देना शुरू कर दिया तो आप एक काम करना, अगर आप ऐसा करना चाहते हो और आप ज्यादा लिख लेते हो, वैसे तो वो एनफ होती हैं शीट्स, बट कुछ स्टूडेंट्स को लगता है जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी होती है, तो जिनकी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा बड़ी होती है उन्हें शीट्स ज्यादा चाहिए होती हैं, तो आप उस पर ध्यान रखो कि आप अपने पेजेस पहले ही मार्क करके रख लो। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि एक आंसर आपका 5 पेजेस का होना चाहिए तो आप 5th पेज को पहले ही मार्क कर लो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है कि मेरा एक आंसर जो है, फर्स्ट आंसर जो है मेरा कहाँ तक आना चाहिए, तो आपको मार्क करना पड़ेगा वो पहले ही। अगर आपने वो पहले ही मार्क कर लिया, सपोज करो कि मुझे यहाँ तक लिखना है, मैंने ये मार्क कर लिया, तो ये मेरा एक मार्क बन जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ तक एनी हाउ खत्म करना है, क्योंकि सेकंड इसके बाद मुझे तभी शुरू करना है, तभी मेरी ये शीट पूरी पढ़ पाएंगी जब मैं पूरा अपना अटेम्प्ट कर सकूं एग्जाम। तो ये जो सारी चीजें होती हैं बेसिक मैंने आपको पहले बता दिया, एक ओवरव्यू दे रही हूँ वापस कि आपको मार्जिन हर शीट पे पहले ही बना लेना है, क्योंकि आपको 10-15 मिनट का टाइम मिलता है एंड दैट इज एनफ। आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे हर शीट पे एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करने में, तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों पे आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन यूज करोगे,
जो भी आपकी हेडिंग होगी आप लिख दोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एक लुक दे देता है कि हाँ आपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिखा है कि आपका कौन सा कोड है और कौन सा एग्जाम है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे ही अपने क्वेश्चंस को लिखना है, राइट साइड पे आप अपने इन पॉइंट्स को लेकर नहीं आओगे। एंड आंसर्स आप कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, मार्जिन से, आपको मार्जिन के बाद से ही लिखना शुरू करना है। पैराग्राफ चेंज कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट्स में आंसर्स लिखने हैं, कोशिश करनी है जितने पॉइंट्स में लिख सको। क्वेश्चन चेंज करते ही 3 लाइन का गैप छोड़ना है ताकि आप बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सको, ताकि आपको वो चीज आप बाद में करोगे, ये चीज आपको एंड में करनी है। ये चीज ध्यान रखना अगर आपके पास टाइम बचेगा तो, क्योंकि अगर आपने ये पहले ही करना शुरू कर दिया तो ऐसा ना हो कि आप अपना कोई क्वेश्चन मिसअप कर दो, और क्वेश्चन मिस कर दोगे तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये चीज एक बार को मिस हो भी जाएगी तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंटेशन में मैटर करता है। तो ये है एक तरीका जिससे आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करोगे तो श्योरिटी है कि आपको गुड मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये एक गारंटी है कि आपने कंटेंट के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया, जो एग्जामिनर फॉर श्योर इग्नोर नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी कि आप एग्जामिनेशन में कैसे अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हो एंड कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। एंड जैसे कि जो लोग हमारे साथ पहले से ही जुड़े हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि हम लोग किन चीज़ों में डील करते हैं, तो अगर आपको असाइनमेंट्स बनवाने हैं तो आप असाइनमेंट्स के लिए हमें हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन 3 गिवन नंबर्स पे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। आपको जो भी असाइनमेंट प्रोवाइड करा जाएगा, जो भी आपको परचेज करना है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हो। ये 3 नंबर पर ही बस हम अवेलेबल हैं। PDF सॉल्यूशंस आपको चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए जो रेडी टू सबमिट होती है, हार्ड कॉपी का ऑर्डर प्लेस करना है तो आप प्लेस कर सकते हो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हार्ड कॉपी के ऑर्डर्स क्लोज हो जाते हैं एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के